हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचित कुमार। ऐसे तो मैं इस चैनल पे ब्लॉगिंग नहीं डालता हूँ, लेकिन आज है राखी और मैं आपको बता दूँ कि इस बार राखी 2 दिनों का है, मतलब 31 तारीख को है, जो कि 9 बजे से शायद 11 बजे तक है, लोग ऐसे कह रहे हैं। और दूसरा जो है 31 तारीख को सुबह 7 बजे तक है। तो मैंने सोचा यार कि क्यों नहीं इस बार की राखी सेलिब्रेशन आप सबके साथ शेयर किया जाए। ऐसे तो मतलब आई हैव ओनली वन सिस्टर एंड 3 ब्रदर्स, बट दिस टाइम आई एम इन द सिस्टर हाउस, सो दैट मेनी कजन सिस्टर आर कमिंग हियर टू मेक दिस फेस्टिवल इन्जॉयबल। और उसके बाद जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि राखी बांधने का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे थोड़ा सा फनी मोमेंट हो गया क्योंकि भैया जो है दीदी से छोटे हैं, लेकिन यहाँ राखी पे लिखा हुआ था मेरे भैया, तो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा फनी मोमेंट बन गया था। एंड वन मोर थिंग इज दैट आई एम द यंगेस्ट ब्रदर इन माई सिबलिंग्स। एक्चुअली ये राखी बच्चे का राखी है, डोरीमोन वाली राखी है जो कि लाइट जलता है थोड़ा थोड़ा, तो ये मेरे भतीजे का राखी है। बट यहाँ पे ये राखी भाभी को बांधने के बारे में बात चल रही थी। यहाँ पे ये दीदी भाभी के हाथ में राखी कैसे बांधे उसके लिए उसको लेकर ये कन्फ्यूज थे, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा मोमेंट फनी हो गया था। मतलब ये कुछ यूनिक टाइप से बांधना चाह रही थी, लेकिन 2-3 प्रयास होने के बाद जब फिर भी राखी नहीं बनाया तो सब लोगों ने कहा यार जैसे बांधना है बांध दीजिए आप। ये चाह रही थी कि राखी को हम कुछ इस टाइप से बांधे कि अगर ये चूड़ी से फिर बाद में राखी खोले तो इनको खोलने में दिक्कत ना हो। पहले मिठाई खिला के हटा दीजिए, नहीं तो पूरा मिठाई कपूर कपूर हो जाएगा। यहाँ पे अभी एक मिठाई खत्म भी नहीं हुआ था कि दूसरा मिठाई दीदी खिलाना चाह रही थी, तो मैंने यहाँ पे बोला कि यार उसको थोड़ा सा छोटा कर दो, लेकिन दीदी ने बोला ये छोटा मिठाई है खा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हुआ ये कि मैं मिठाई चबाने के जब खाने लगा तो लग गया। जिससे ऑन किए हैं उसी से पॉज होगा क्या सचित? जिससे ऑन किए हैं उसी से पॉज होगा। अभी कर दूं पॉज। खाइए, प्लेट खाली होना चाहिए ना। इससे भी स्क्रीन शॉट लेंगे तो बहुत सारा फोटो आ जाएगा। इसमें भी एक बार देखिए, सब एक साथ देखिए फोटो, इसमें भी खींच लेंगे स्क्रीन शॉट मार। अरे फोटो सेशन और वीडियो सेशन साथ में चल रहा था। छोटू सामने साटो ना। ए बोलो सुन बोलो ना।
अजय भी यही आ रहे हैं, बोलिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, लाडो को बोलिए फोन रखे वहाँ चल जाने, लाडो को अरविंद इसको उठाइए तो। हाँ अभी आएंगे पंखा बंद कर दीजिए। अब बउआ लोग अच्छे से पकड़ के रखिए। यहाँ पे एक डोरी मोन वाला राखी था जिसमें लाइट जलता था और बच्चे दो थे, तो बच्चे तो थोड़ा सा जो चीज अट्रैक्टिव होती है तो उसके पीछे भागते हैं ना, तो दोनों बच्चे में थोड़ा सा फनी फाइट देखने को मिला। क्या बोले पिंटू भैया? ये क्या लेट से? नहीं नहीं कुछ तो बोले तीन बार फोन किए। नहीं मेरे बारे में बोल रहे अब यहाँ से बच्चे लोग के राखी स्टार्ट हो चुका है। एक्चुअली बच्चे लोग हमसे पहले राखी बनाए थे लेकिन हमने इस वीडियो में थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया हूँ, और बच्चे का राखी तो और इंटरटेनिंग रहा क्योंकि यार बच्चे तो दिल के सच्चे होते हैं और सबसे अच्छे इंटरटेनर भी होते हैं। इन बच्चों को देखिए, सब लोग अपने आप में मस्त है। ये छोटा वाला देखिए जो लड्डू है वो गुजिया खाने में बेस्ट है, ऐसे वो मीठा नहीं खाता लेकिन आज सारे बच्चे को देख कर वो भी गुजिया खाने लगा। देखिए आप गुजिया खाने में मस्त है वो लड्डू। यहाँ पे देखिए यही तो बच्चे होते हैं यार जो कि हर मोमेंट को फनी बना लेते हैं। यहाँ पे उसकी सिस्टर उसको राखी बांधने का कोशिश कर रही है लेकिन वो उससे खेलना चाह रहा है क्योंकि उसमें लाइट जल रहा है, तो उससे वो खेलना चाह रहा है। फिर उसको वो राखी दे दिया गया, उससे वो खेलते रहा, उसके बाद फिर उसको दूसरा राखी बांधा गया। उससे बड़ा रसगुल्ला हो गया उसका। यहाँ पे देखिए वो खा नहीं पा रहा, चबा भी नहीं पा रहा है। और ये सब फनीस्ट मोमेंट केवल बच्चों का ही कैप्चर होता है यार, क्योंकि उनको इन सब चीजों के बारे में कहाँ पता होता है यार कि इस ये सब एक्टिविटी के कारण मेरा कोई मजाक भी बना सकता है। वो अपने आप में मस्त होते हैं। तुम मतलब सामने वाला कुछ भी करो, जो भी करना है करो भाई, बस वो अपने आप की एक्टिविटी से मस्त होते हैं और हर एक मोमेंट को फनीस्ट बना देते हैं। और यहाँ पे बच्चे का राखी समाप्त होता है और बड़ों का राखी स्टार्ट होता है।
तो बेटा खा जा ले एक बार मैं तो माँ तो भी खी अब हम आप लोग को ज़्यादा बोर नहीं करना चाहते इसलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आप लोग को जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।